हमारे गाड़ी का अनाउंस हो चुका है एकता एक्सप्रेस, जो कि ये एक खुद डिवीजन है अम्बाला। ये है कालका स्टेशन जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। फाइनली अब हम सहारनपुर से पहुंच चुके हैं अम्बाला। अब हमारा गाड़ी है अम्बाला से कालका। तो हमारा गाड़ी का नंबर है 14798, जो गाड़ी एकता एक्सप्रेस है। ये हमारे पीछे दिल्ली से साइड से चल के आती है और यह गाड़ी हमारी कालका जाएगी, उसी ट्रेन से हमारा सफ़र है। तो डेढ़ घंटा हमें यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये ट्रेन आ रही है और ये एकता एक्सप्रेस आ रही है, इसी से आज हमारा सफ़र है अम्बाला से लेकर के कालका तक। चलिए रुक दी, तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। गाड़ी थोड़ा पीछे ही रोक दिया हमने, तो सोचा और आगे लेगा सिग्नल तक, पर ये लिया नहीं। तो चलिए, सब तो भाग रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, हम भी चले जरा। अब क्या भीड़ है इसका भी पता नहीं, क्योंकि जो एमओ ट्रेन से आए थे उसमें भी भीड़ थे और इसमें पगा पता नहीं कुछ। तो साइड सीट अवेलेबल हो गया है, गाड़ी में कोई खास भीड़ नहीं है। हम पहुंच गए चंडीगढ़, जो कि अम्बाला से हमारी गाड़ी चली है। फर्स्ट स्टॉपेज चंडीगढ़ है, तो अब हमारा गाड़ी यहां से निकलेगा तो फिर चंडी माता मंदिर होते हुए कालका हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं, और हमारा गाड़ी बिफोर आई है यहां पर। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं चंडीगढ़ स्टेशन का निजीकरण हो रहा है, मतलब जिसे कि डेवलप किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है। और काफ़ी ये इस स्टेशन पर हम आज आए हैं टोटल पूरे 5 साल के बाद। इस स्टेशन पे हम फर्स्ट बार आए थे 2019 को और आज आए हैं 2024। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी डेवलप भी हो रहा है और चेंज भी हो रहा है स्टेशन। तो चलिए चलते हैं, हम अपने सीट पर बैठेंगे। हमारी गाड़ी यहाँ पहुँच चुकी है टाइम से बिफोर। चंडीगढ़ से निकलने के बाद ये चंडी माता चंडी मंदिर स्टेशन आई है। इसके बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं कि यहाँ का क्या चीज़ फेमस है और क्या है।
गाड़ी से हम जा रहे हैं एकता एक्सप्रेस, उसकी कोच है खाली और इधर से भी है वो भी खाली। तो फ्रेंड्स, अब हमारा गाड़ी पहुंच चुका है कालका और अब यहां से पकड़ेंगे हम टॉय ट्रेन जो कि जिससे कि हम जाएंगे शिमला। यह है कालका स्टेशन जो कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 656 मीटर है और मीटर फिट। सो गाइस, ये है कालका स्टेशन जो कि स्टार्ट हो चुकी है बारिश और हमारी गाड़ी आ चुकी है कालका। कालका स्टेशन काफ़ी साफ सुथरा है और काफ़ी अच्छा है। हम आए हैं उस ट्रेन से जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लग चुकी है और ये हमारा टॉय ट्रेन है और ये हमारे भैया जी। तो भैया बढ़िया 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 सर बढ़िया। ये भैया हमारे बोल रहे बढ़िया, ये हमारे भैया जी। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉय ट्रेन की और फाइनली हम पहुंच चुके हैं आपका कालका। तो हम सफ़र करके आए सहारनपुर से अम्बाला, अम्बाला से कालका और अब कालका से जाएंगे शिमला। तो चलिए अब छोटी लाइन की ट्रेन पकड़ेंगे और हमारे प्लेटफॉर्म नंबर गाड़ी 4 पे आई भी थी तो हम जा रहे हैं छोटी लाइन की ट्रेन पकड़ने के लिए। तो यहाँ का स्टेशन भी काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा है। तो चलिए चलते हैं हम थोड़ा आगे की और आपको दिखाएंगे छोटी लाइन की ट्रेन भी। गाइस फाइनली हम टॉय ट्रेन के नज़दीक पहुंच चुके हैं, टॉय ट्रेन हमारे से थोड़ी और नज़दीक में है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं क्या चीज़ है, कैसा है और कैसे जाना है, कितना फेयर लगेगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं कालका। तो कालका में उधर हमारे पीछे जो है बड़ी लाइन है और ये हमारे पीछे छोटी लाइन की ट्रेन लगी हुई है जिसे टॉय ट्रेन कहते हैं। तो चलिए आज हमारा सफ़र है कालका से शिमला, तो इसमें कितना फेयर लगता है और कितना समय लगता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो जैसे हमने IRCTC से ट्रेन का टिकट बुक किया था कल ही, तो जिसमें हमने 265 रुपये वाला ट्रेन का टिकट लिया हुआ है और इस ये है हमारा टॉय ट्रेन जिससे कि आज हमारा सफ़र है। तो इसमें काफ़ी तरह के कोचेस दिए हुए हैं कालका टू शिमला, जैसे ये C4 है, उधर C5 है, तो सभी अलग अलग ट्रेन हैं, अलग अलग सीट हैं। इसमें आप देख सकते हैं टॉयलेट भी है और ये सीट है काफ़ी अच्छा, इसका इंटीरियर किया हुआ है। तो 2-2 साइड के सीट हैं, एक साइड 2 हैं, एक साइड के 2 हैं और इसमें आप जैसा बेनिफिट लीजिएगा वैसा मिलेंगे। तो आप जैसे हमारे बगल में भी देख सकते हैं उस साइड में भी टॉय ट्रेन काफ़ी अच्छे लगे हुए हैं, AC कंपाउंड के भी लगे हुए हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं बाहर और बाहर का भी आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैगी अर के स्टॉल है, अगर आपको कुछ लेना है मैगी फ्रूट्स कुछ भी लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। 2 स्टॉल लगी हुई है, ये सभी टॉय ट्रेन है। ये आपका स्लीपर क्लास है चेयर कार में, तो ये जैसे चेयर कार है देख सकते हैं, इसमें पर्दा लगा हुआ है काफ़ी अच्छा। और अगर आपको बैठना है तो ये चेयर कार सीट्स है जो कि आप इसमें कंफर्टेबल फिट कर सकते हैं, एक साइड 2 है, एक साइड 1 है। और ये इसका टॉयलेट, ये यहाँ पर सामान रखने के लिए है।